Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 6th of October 2019. और discussion शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. So first question is, consider the following statements about the Bhakti movement. First statement is, Bhakti movement is spread to South India in 14th century from North India. Second statement is, Bhakti saint used Sanskrit to spread their message. Which of the above statements is oblique are correct? A, one only, B, two only, C, both 1 and 2, या फिर D, none. Second question is, India's first e-waste clinic will be opened up in which state? A, Madhya Pradesh, B, Delhi, C, Karnataka, या फिर D, Andhra Pradesh. Third question is, Article 72 is related to A, removal of president, B, appointment of president, C, pardoning power of the president, and D, oath of president. तो आप लोग इन तीनों questions के answer करिएगा comment section में, and PDF for the month of August has been uploaded. तो जिन लोगों को भी notes बनाने में अगर कोई दिक्कत होती है या फिर लेना चाहते हैं आप लोग PDF, तो वो खरीद सकते हैं. इसके अलावा Indian Polity Decoded करके एक book हम लोगों ने upload की है Polity के लिए. So those of you who are interested in buying that book can also buy it from the link given in the comment section below. तो free का प्रचार करने के बाद अब आ जाते हैं news discussion पे. And आज की जो सबसे पहली news है हमारी, that is related to National Register Citizens. And यहाँ पर जो Prime Minister है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बोला है कि जो एनआरसी है हमारा वो एक लीगल प्रोसेस है एंड इट इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने एक तरह से बांग्लादेश को एश्योर किया है. ठीक है, अब इसके जरिए जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती है, क्योंकि जब इलेक्शन रैलीज होती हैं तो वहाँ पर बीजेपी के लीडर्स बोलते हैं कि जो भी लोग एनआरसी में जिनका नाम नहीं उन सबको बांग्लादेश भेजा जाएगा. जब ऑफिशियल मीटिंग होती है, चाहे यूनियन होम मिनिस्टर हो या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो या फिर अब प्राइम मिनिस्टर हो, वो कहते हैं कि एनआरसी इज एन इंटरनल मैटर. अगर आपको एनआरसी में जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया है उनको बांग्लादेश भेजना है तो फिर वो इंटरनल मैटर कैसे हो सकता है. ठीक है, तो इस एक चीज को ध्यान पे रखना है कि इलेक्शन रैलीज के टाइम पे कुछ बोला जाता है एंड गवर्नेंस जो है वो अलग तरीके से की जाती है. तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा एनआरसी के बारे में देख लेते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के बारे में देख लेते हैं. ये क्या है? इट इज अ लिस्ट टू सेग्रीगेट इंडियन सिटीजंस लिविंग इन असम फ्रॉम दोज हु हैड इलीगली एंटर द स्टेट फ्रॉम बांग्लादेश आफ्टर 24th March 1971. तो ये एक लिस्ट है जिसके जरिए जो असम में इंडियन सिटीजंस है उनको और जो इलीगली एंटर किए हैं असम में 24th March 1971 के बाद उनको सेग्रीगेट करने के लिए. अब 24th March 1971 ही क्यों कट ऑफ डेट रखी गई है? क्योंकि इस दिन पाकिस्तान जो है, देन बांग्लादेश इन 1971 वॉज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान. तब वहां की पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, तो उसके बाद बहुत सारे लोग डर के कारण जो है उन्होंने माइग्रेशन शुरू किया, तो इलीगली दे हैव एंटर्ड इंडिया. तो इसलिए 24th मार्च 1971 को कट ऑफ डेट रखा गया है. एंड किसी भी पर्सन का नाम होगा या नहीं एनआरसी लिस्ट में, उसके लिए दो कंडीशन है. फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ नेम इन द लेगेसी डाटा एंड सेकेंड वन इज प्रूविंग द लिंकेज विद द पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द लेगेसी डाटा. तो या कि आपका खुद का नाम लेगेसी डाटा में हो या फिर आपके किसी ब्लड रिलेटिव का नाम अगर लेगेसी डाटा में है, देन ओनली योर नेम कुड अपीयर इन द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस. अब ये लेगेसी डाटा क्या है? इट इज द कलेक्टिव लिस्ट ऑफ द एनआरसी डेटा ऑफ 1951 एंड द इलेक्टोरल रोल्स अप टू द मिडनाइट ऑफ 24th मार्च 1971. तो जो एनआरसी पहली बार किया गया था 1951 में उसके डेटा को मिला दीजिए प्लस इलेक्टोरल रोल्स अप टू मिडनाइट ऑफ 24th मार्च 1971, उसको लेगेसी डाटा बोला जाता है. अब इसको अपडेट क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन 2013. एंड इसके अलावा जो है यहाँ पर एनआरसी अपडेशन का एक और रीजन है, डेट इज असम अकॉर्ड. असम अकॉर्ड जो है वो 1985 में साइन किया गया था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लीडर्स ऑफ द असम एजुटेशन मूवमेंट. तो असम में 1979 से 1985 के बीच में इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर बहुत बड़ा मूवमेंट चला एंड उसके बाद जो है ये अकॉर्ड साइन किया गया. इसमें यह बोला गया था कि जो भी लोग 1971 के बाद आकर के इंडिया में सेटल हुए हैं इलीगली, उन सभी को असम से डिपोर्ट किया जाएगा. तो उसको एक प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहां पर इस एक पूरी प्रोसेस में? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डॉक्यूमेंट सच एज दोज ऑफ बर्थ, स्कूलिंग एंड लोन, लैंड ओनरशिप विच इंप्रोविस्ड एंड अनलेटर्ड रूरल रेसिडेंट्स एनी वेयर वुड फाइंड हार्ड टू मस्टर वर इंसिस्टेड अपॉन. तो एनआरसी में आपका नाम होने के लिए आपको बोला गया या कि आप अपने बर्थ जन्म प्रमाण पत्र दीजिए या फिर आप स्कूलिंग का दीजिए या फिर लैंड ओनरशिप का प्रमाण दीजिए. तो बहुत सारे ये अगर आप गांवों में जाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें नहीं होती हैं. ठीक है, तो उसको लेकर के एक प्रॉब्लम है. एंड इवन जब डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस किए गए तो जैसे मान लीजिए कि किसी के नाम के आगे ए नहीं लिखा हुआ है तो उनको बाहर कर दिया गया कि आपका अंग्रेजी नाम अलग है
और हिंदी का नाम या बंगाली का नाम अलग है तो यू विल बी डिसक्वालिफाइड। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो एनआरसी एक्सरसाइज में देखी गई। इसके अलावा इट वुड क्रिएट अ 2 मिलियन स्टेटलेस पीपल, तो बहुत सारे लोग जो हैं लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, उनका क्या करेंगे। इसके अलावा जो फॉरनर्स ट्राइब्यूनल हैं जहां पर कि आप अपील कर सकते हैं अगर आपका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है, तो उनकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, एंड जो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर एनआरसी के बारे में एंड इससे जुड़े हुए जो इश्यूज हैं। नाउ कम टू द सेकेंड न्यूज, एंड यहां पर आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो पेड़ों को हक कर रहे हैं, एंड ये जो है मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा गया और उनको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसकी एक हिस्ट्री है जो हम लोग देख लेते हैं। तो इसको जो है वो चिपको प्रोजेक्ट के, चिपको मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, एंड ओरिजिनली जो चिपको मूवमेंट है वो 260 साल पहले राजस्थान की एक महिला थी अमृता देवी, उन्होंने किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल चिपको मूवमेंट वॉज लेड बाई अमृता देवी, एंड शी लेड अ ग्रुप ऑफ लेडीज फ्रॉम 84 villages। तो जब महाराजा जोधपुर जो थे उन्होंने पेड़ काटने का आदेश दिया, तो उनको रोकने के लिए जो अमृता देवी थी और अपनी तीनों बेटियों के साथ उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर बात करें तो चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा, एंड ही लॉन्च्ड इट इन द उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट में उन्होंने चिपको मूवमेंट शुरू किया जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि पेड़ों को गिराया जाए। एंड सुंदरलाल बहुगुणा ऑल्सो गेव द फेमस स्लोगन ऑफ इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। तो आपसे ये ऐसे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, एंड डू यू पीपल एग्री विद दिस व्यू कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि अमृता देवी बिश्नोई जो है वो चिपको मूवमेंट से रिलेटेड थी, 200 साल पहले लगभग उन्होंने ऐसा मूवमेंट किया था। इंडिपेंडेंट इंडिया में जो चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए लीडर थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। एंड ये जो टॉपिक है आपका ये रिलेटेड है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहाँ पर आपकी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ग्रीन क्रैकर्स, एंड अगेन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू प्रिलिम्स एंड इट कुड बी आस्क्ड इन द इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आपसे इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी वाले सेक्शन में ग्रीन क्रैकर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा ग्रीन क्रैकर्स के बारे में देख लेते हैं। ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं? दीज आर दोज क्रैकर्स विच डू नॉट कंटेन हार्मफुल केमिकल्स डैट वुड कॉज एयर पोल्यूशन। तो जो नॉर्मली पॉल्यूटिंग केमिकल्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कार्बन, इनका जो है यूज बहुत कम किया जाता है ग्रीन क्रैकर्स में, एंड इनके कारण जो है एमिशन जो है वो 15-30% तक कम होने की उम्मीद की जा रही है। एंड कौन डेवलप कर रहा है इनको? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अलॉन्ग विथ नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो CSIR अलॉन्ग विथ NEIRI नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पर बेस्ड है? नागपुर में बेस्ड है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर ग्रीन क्रैकर्स के बारे में। एंड जो अभी ग्रीन क्रैकर्स डेवलप हुए हैं उनका नाम है सफल एंड स्टार एंड स्वास। तो हम लोग देख लेते हैं इनका फुल फॉर्म क्या है। स्वास का मतलब है सेफ वाटर रिलीजर, स्टार का मतलब है सेफ थर्माइट क्रैकर, एंड सफल का फुल फॉर्म है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। तो ये ध्यान रखिएगा तीन ग्रीन क्रैकर्स क्या नाम है उनके, स्वास सेफ वाटर रिलीजर, स्टार सेफ थर्माइट क्रैकर, एंड सफल सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। एंड इनके जरिए जो है पार्टिकुलेट मैटर का जो रिडक्शन है, जो एमिशन है, वो 30-35% तक कम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे ग्रीन क्रैकर्स के बारे में। एंड ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि 230 कंपनीज विल मैन्युफैक्चर ग्रीन क्रैकर्स, एंड अभी दिवाली आने वाली है तो उसको लेकर के इनकी मार्केटिंग की जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड दिस न्यूज इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एंड सार्क। तो आपके GS2 में एक टॉपिक मेंशनड है बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो इस हिसाब से ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस न्यूज में क्या हाईलाइट किया गया है? जो मालदीव्स के स्पीकर हैं एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद, उन्होंने बोला है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, एंड हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के जो व्यूज हैं उनके साथ एग्री नहीं करते हैं। तो एक तरह से मालदीव्स जो कि इस्लाम डोमिनेटेड कंट्री है, उसने अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के स्टेटमेंट से अलग कर लिया है। दूसरी चीज जो उन्होंने बोली है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में सार्क समिट नहीं अटेंड करना चाहता है तो मालदीव्स इज रेडी टू होस्ट द सार्क, ठीक है। तो ये तो हो गई यहां पे जो न्यूज हाईलाइट की गई है। अब हम लोग देख लेते हैं दो ऑर्गेनाइजेशंस जो मेंशनड है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एंड
सार्क के बारे में। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की अगर बात करें तो इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1969 कंसिस्टिंग ऑफ 57 मेंबर स्टेट्स। तो कब बना था ये? 1969 में बना था। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 57 मेंबर स्टेट्स आर देयर। एंड इसको क्यों बनाया गया था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड इट इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड एंड वर्क्स टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हारमोनी। तो दुनिया भर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए ये मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनकी आवाज़ है एंड उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। एंड इट इज सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जद्दा सऊदी अरेबिया में। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। डिस्पाइट हैविंग अ ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। एंड वो क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान जो है इंडिया के एंट्री को हमेशा से अपोज करता आया था। लेकिन इंडिया बिकेम द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 46th सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन हेल्ड इन अबू धाबी इन मार्च। तो अबू धाबी में जब 46th सेशन हुआ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का, तो इंडिया वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह ध्यान रखना है कि इंडिया इज नॉट द मेंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। एंड ये किस लिए बनाया गया था? फॉर रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियो पोलिटिकल यूनियन इन साउथ एशिया फॉर प्रमोटिंग कॉपरेशन अमंग द साउथ एशियन नेशंस। तो जो साउथ एशियन नेशन है उनके बीच में कॉपरेशन प्रमोट करने के लिए सार्क को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1985 में बनाया गया था। इट वॉज फाउंडेड इन ढाका इन 1985 एंड सेक्रेटारिएट कहाँ है सार्क का? काठमांडू में। बना ढाका में था 1985 में, जो हेड ऑफिस है या सेक्रेटारिएट कहा जा सकता है वो कहाँ है? काठमांडू में। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स आर देयर। अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स। एंड लेटेस्ट मेंबर कौन है? अफगानिस्तान, विच ज्वाइंट द सार्क इन 2007। तो अब तो ये हो गया प्रीलिम्स के हिसाब से जो फैक्चुअल चीजें हैं। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि वाई सार्क हैज बिकेम इररिलेवेंट, वो इररिलेवेंट क्यों हो गया है? या व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ सार्क और द सार्क हैज बिकम द विक्टिम ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा एंड जब भी सार्क की बात आए तो आप इन सारे इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग सार्क के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 2 एंड यहां पर एक छोटा सा फैक्ट हाईलाइटेड है, दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड दे आर सेटिंग अप रीजनल डिजाइन एंड प्लानिंग सेंटर्स, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के बारे में ध्यान रखिएगा कि कब बना था? इट वॉज फॉर्म्ड इन जुलाई 1854। तो एक बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। एंड देन गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? लॉर्ड डलहौजी। तो ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जुलाई 1854 व्हेन लॉर्ड डलहौजी एस्टेब्लिश्ड अ सेंट्रल एजेंसी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक वर्क्स एंड सेटअप अजमेर प्रोविंशियल डिवीजन। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा, बट अभी रिसेंटली जैसे पिछले इन 2017 और 18 दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन टू अरेंज द ऑर्गेनाइजेशंस इन द ईयर ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनाइजेशंस को आप अरेंज करिए जिस साल में वो बने थे क्रोनोलॉजिकली। तो अगर आपको ईयर याद होगा तभी आप उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है हमारा कब बना था? जुलाई 1854 में। एंड देन गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड डलहौजी। एंड इसी तरह से आपसे ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन दे दी जाए एंड आपसे बनाया बता पूछा जाए कि कौन उस समय का गवर्नर जनरल या वाइस राय था। तो जैसे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी थे। कॉपरेटिव बैंक्स के जमाने पे कौन थे? लॉर्ड कर्जन वॉज देयर। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं इनको भी आप न्यूज से ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 5। यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी। एंड अगेन जो मैंने अभी बताया कि हिस्टोरिक में आपको याद रखना है उनके ईयर्स क्या हैं, किस तरह से या किस टाइम पे वो बने थे। यहाँ पर जो शिरोमणि अकाली दल के वाइस प्रेसिडेंट है सुखबीर बादल, उन्होंने बोला है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो अकाली दल की बॉडी नहीं है, रैदर इट रिप्रेजेंट्स द होल सिख। ठीक है, तो ये तो हो गई न्यूज़ यहाँ पर। अब हम लोग देख लेते हैं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में। एंड ये जो है आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में। एंड इसका बेसिक काम क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारास, सिख प्लेस ऑफ वर्शिप इन 3 स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ
चंडीगढ़। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो जितने भी गुरुद्वारा हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ में, उनके मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऑल्सो एडमिनिस्टर्स दरबार साहिब इन अमृतसर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो गोल्डन टेम्पल है उसको भी मैनेजमेंट किसके पास है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास। कब बना था यह, 15th of November 1920 को बना था। बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है एंड हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, अमृतसर में। एंड अभी इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, गोविंद सिंह लोंगोवाल। तो ये ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह लोंगोवाल इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, बीबी जागीर कौर। तो ये फैक्ट्स हम लोग ध्यान रखेंगे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड ये जो न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। एंड अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का जो दूसरा फेज है उसमें राजस्थान के 7712 बच्चों को फायदा हुआ है एंड उनको जो है मेल न्यूट्रिशन से बाहर निकाला गया है। अब यूपीएससी में प्रीलिम्स में आपसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज जो पूछी जा सकती है आपसे, किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसके अंदर किन क्या फोकस किया जा रहा है, टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स इन अ टाइम बाउंड मैनर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years बिगनिंग 2017-18। तो आने वाले 3 सालों में जो है जो बच्चे हैं 6 साल तक के, इसके अलावा जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस को इंप्रूव करने की कोशिश जो है वो इसमें की जा रही है। इसको पोषण अभियान के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज ऑल्सो नोन एज पोषण अभियान। अब इसमें 4 चीजों को टारगेट किया जा रहा है, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड लो बर्थ वेट, ठीक है। अब टारगेट क्या है कि इनको कम करना है, पर एनम कितना कम करना है, स्टंटिंग को 2%, अंडर न्यूट्रिशन को 2%, अनीमिया को 3% एंड लो बर्थ वेट को 2% पर एनम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अनीमिया के अलावा बाकी सबको 2-2% पर एनम कम करना है। और इन 4 चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया एंड लो बर्थ वेट। इसके अलावा स्टंटिंग को लेकर के एक मिशन और गवर्नमेंट ने चलाया है, मिशन 25 by 2022। तो इस मिशन में क्या बोला गया है कि स्टंटिंग जो है वो 38.4% एट प्रेजेंट से घटा करके 25% तक करना है हमको बाय 2022, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मिशन 25 by 2022 इज एसोसिएटेड विथ स्टंटिंग एंड जिसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि स्टंटिंग जो अभी 38.4% है उसको घटा करके 25% किया जाए बाय 2022। तो ये हो गया। नाउ कम टू पेज नंबर 7 एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू आरटीआई। एंड एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने अपनी आरटीआई एप्लीकेशन के जरिए बताया है कि 2000 के बाद उड़ीसा के अंदर सिर्फ 3 IAS हैं जिनको करप्शन के केस में सजा हुई है, ठीक है। तो इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया, एंड दिस शोज लो कन्विक्शन इन केसेस अगेंस्ट आईएएस ऑफिसर्स, और 10% से कम का भी कन्विक्शन रेट है। तो इसके लिए 2 ही चीजें हो सकती हैं, या कि आईएएस ऑफिसर्स बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि उनको पनिशमेंट जानबूझ करके नहीं दी जा रही है। एंड हम सभी जानते हैं कि क्या कौन सा केस है। हम लोग यहां पर आरटीआई एक्ट के बारे में देख लेते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, या आपके GS2 में जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला टॉपिक है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज आरटीआई वॉज रेफर टू एज द राइट टू, मतलब की टू गुड गवर्नेंस बाय द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की पहली रिपोर्ट थी डेट वॉज रिलेटेड टू राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड देयर दे रेफर्ड राइट आरटीआई एज अ मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आरटीआई एक्ट के कुछ जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन्स टू सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके काम में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए एंड लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसके लिए इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट को जो है वो इस एक्ट के जरिए ही सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी बनाए गए हैं। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पूरे इंडिया में इसका एक्सटेंशन है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस एक्ट में इंफॉर्मेशन को किसको डिफाइन किया गया है, इंफॉर्मेशन हैज बीन डिफाइंड एज एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियन, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो किसी भी तरह का मटेरियल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पब्लिक अथॉरिटीज के पास है उन सभी को जो है वो इंफॉर्मेशन माना गया है।
पब्लिक अथॉरिटी किसको माना गया है? इट मींस एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बॉडी, ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, और एनजीओ सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई हो, पार्लियामेंट ने बनाई हो, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई हो, सरकार ने बनाई हो, एनजीओज इवन जिनको फंडिंग गवर्नमेंट करती है, उन सभी को जो है पब्लिक अथॉरिटी माना गया है। अभी रिसेंटली इसी से रिलेटेड एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था एंड सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर कि फाइनेंसिंग का मतलब ये नहीं कि आपको 50% से ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। अगर आपको गवर्नमेंट फ्री में लैंड देती है या फ्री में कोई भी सुविधा देती है तो दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। अब इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं हम लोग आरटीआई एक्ट के। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 3। इसमें ध्यान लिखा हुआ है कि आरटीआई इज फॉर ऑल इंडियन सिटीजंस। तो आरटीआई कौन लोग लगा सकते हैं? सिर्फ भारतीय नागरिक। इसके अलावा सेक्शन 4 इज इंपॉर्टेंट, जहां पर यह बोला गया है कि हर एक पब्लिक अथॉरिटी को अपने रिकॉर्ड्स इस तरह से मेंटेन करने हैं ताकि लोगों को आसानी से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। सेक्शन 6 में बोला गया है कि कोई भी इंसान जो है जिसको भी आरटीआई लगाना है वो एक नॉर्मल से पेपर में लिख करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकता है। सेक्शन 7 में बोला गया है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कितने दिनों में दी जानी है? मिनिमम 30 दिनों के अंदर। एंड अगर किसी की लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है देन दैट शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स, उसको 48 घंटे के अंदर देना है। सेक्शन 8 में बोला गया है कि सर्टेन ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इंफॉर्मेशन माइट बी डिनाइड। सेक्शन 8 में जैसे कि अगर मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई इशू है या इंटरनल सिक्योरिटी को या डिफेंस को कोई खतरा है, इन सारे टॉपिक्स को रखा गया है सेक्शन 8 में, जिसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन जो है वो मना की जा सकती है। सेक्शन 19 में जो है वो अपील का प्रोविजन है एंड पहली अपील जो है आप 30 दिन के बाद दायर कर सकते हैं एंड दूसरी अपील जो है वो आप 90 डेज के बाद दायर कर सकते हैं। सेक्शन 20 जो है हमारा क्या बोलता है? इट एम्पावर्स द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन टू इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹250 ईच डे टिल एप्लीकेशन इज रिसीव्ड और इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड। तो अगर कोई ऑफिसर जो है वो या कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर जानबूझ करके इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उनके ऊपर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ₹250 प्रतिदिन का एंड मैक्सिमम 25,000 तक का फाइन लगा सकते हैं। ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 20। एंड सेक्शन 24 में मेंशनड है आरटीआई के कि दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर आरटीआई एक्ट के बारे में। आई होप कि आज के बाद से अगर आपको आरटीआई एक्ट के बारे में स्टैटिक पोर्शन के रिलेटेड अगर कुछ लिखने को आता है सो यू पीपल विल बी एबल टू हैंडल इट। नाउ कम टू पेज नंबर 10 एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सेकेंड इनफॉर्मल समिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इनफॉर्मल सबमिट मतलब होता है कि जिसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी, ठीक है। मतलब फॉर्मल सबमिट की आप एक दूसरे को बुला करके हर साल होना है उस टाइप की, इनफॉर्मल सबमिट मतलब अगर लगता है तो दोनों लीडर्स सिर्फ मीट करेंगे एंड दे कुड टॉक इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। तो उस सेकेंड इनफॉर्मल सबमिट जो है वो होने वाली है ममल्लापुरम में, ठीक है। ममल्लापुरम जो है वो तमिलनाडु में है एंड पहली जो इनफॉर्मल सबमिट हुई थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो कहाँ हुई थी? वुहान में हुई थी, ठीक है। एंड ममल्लापुरम के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज डेजिग्नेटेड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वो एक फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फेमस सोर टेंपल है वो भी कहां लोकेटेड है? ममल्लापुरम में। एंड ममल्लापुरम इज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी? अगर बात करें तो इट इज एसोसिएटेड विथ पल्लवा डायनेस्टी एंड इसके जो रूलर थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट हु वॉज ऑल्सो नोन एज द ममल्ला, उसी के नाम पे जो है इसको ममल्लापुरम बोला जाता है या फिर महाबलीपुरम। इसके अलावा यहां पर एक और फेमस टेम्पल है, रथास टेम्पल आर देयर, तो उनके लिए भी ये फेमस है। इसके अलावा अर्जुनास पेनेस स्टोरी और डिसेंट ऑफ गंगा टेम्पल है, सो दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट ममल्लापुरम कि ये सारे टेम्पल्स जो है वो कहाँ लोकेटेड है? ममल्लापुरम में। नाउ कम टू द पेज नंबर सेम पेज एंड यहाँ पर जो एक बांग्लादेश एंड इंडिया रिलेशन से रिलेटेड न्यूज है, अभी जो रिसेंटली अक्टूबर 3 से अक्टूबर 6 तक बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है इंडिया के विजिट पर आई हुई थी, तो उसको रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ को हाईलाइट किया गया है कि क्या क्या हमने एग्रीमेंट्स किए एंड क्या क्या जो है वो एग्रीमेंट्स हमारे रह गए। एंड ये आपके किस टॉपिक से रिलेटेड है? GS2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस से, ठीक है। तो सबसे पहली जो डील हुई है वो है फेनी रिवर के वाटर से रिलेटेड एंड बांग्लादेश हैज एग्रीड टू अलाउ इंडिया टू विदड्रॉ 1.82 क्यूबिक सेक्स वाटर फ्रॉम द फेनी रिवर फॉर अ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा। तो बांग्लादेश ने अलाउ कर दिया है कि इंडिया जो है वो फेनी रिवर से 1.82 क्यूबिक सेकेंड्स वाटर जो है वो ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है बांग्लादेश हैज एग्रीड फॉर द यूज ऑफ 2 बांग्लादेशी पोर्ट्स फॉर गुड्स फ्रॉम इंडिया इन द फॉर ग्रेटर कनेक्टिविटी बिटवीन द
टू कंट्रीज। तो जो पोर्ट्स हैं, दो पोर्ट्स हैं बांग्लादेश के, उनको यूज करने के लिए भी बांग्लादेश ने जो है वो एग्री कर लिया है। इसके अलावा जो है बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट की है कि आपके म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, सो यू शुड यूज इट टू फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज। तो जो रोहिंग्याज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एरिया में रह रहे हैं, तो वो वापस से म्यांमार जहाँ से वो फ्ली करके आए थे या भाग करके आए थे, उनको वापस भेजा जा सके। इसके अलावा उन्होंने जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनका नेक्स्ट ईयर 100 बर्थ एनिवर्सरी होगा, तो उसमें भी मोदी जी को बुलाया है। यहाँ पर फैक्ट ध्यान रखना है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान। इसके अलावा जो है वो जो क्या एग्रीमेंट्स नहीं हो पाए हैं, तो जो 6 रिवर्स थी उनके वाटर शेयरिंग को लेकर के एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था वो भी जो है वो साइन नहीं हो पाया है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड न्यूज। नाउ कम टू पेज नंबर 11 एंड यहां पर एक स्टेटमेंट आया है बीजेपी के लीडर का कि ऑथोरिटेटिव लीडरशिप विल डू गुड एंड ऑथोरिटेरियन लीडरशिप इज गुड फॉर द कंट्री। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर यूपीएससी में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेदर ऑथोरिटेटिव लीडरशिप इज गुड और डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, एंड वट आर बोथ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी थिंग, ठीक है। ऑथोरिटेटिव लीडरशिप के क्या प्रोज कॉन्स हैं एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप के क्या प्रोज कॉन्स हैं, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग इट कैन आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सीआरपीएफ। एंड अभी सीआरपीएफ की एक महिला जवान है, उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था एंड उसको सीआरपीएफ ने एडवाइस किया है कि ऐसी कोई भी चीजें जो है वो ना बोली जाएं। उन्होंने मतलब बोला था कि बच्चों को श्रूण हत्या होनी चाहिए, इसके अलावा वे कन्हैया कुमार की छाती में जो है वो झंडा गाड़ देना चाहिए या तिरंगा गाड़ देना चाहिए, तो इस तरह की चीजें बोली थी एंड उनको उसके खिलाफ एडवाइस किया गया है। अब यहां पर हम लोग इस न्यूज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बोला था उन्होंने वो एक डिबेट के दौरान बोला था, डिबेट का टॉपिक बहुत अच्छा था एंड विच कुड बी आस्क्ड इवन इन द सीडीएस और द अदर एग्जाम्स इन द यूपीएससी, एंड टॉपिक था टेररिज्म एंड मिलिटेंसी इन द कंट्री कैन बी टैकल्ड इफेक्टिवली वाइल ऑब्जर्विंग ह्यूमन राइट। आपसे भी GS2 में ये क्वेश्चन के रूप में ही पूछा जा सकता है कि वेदर टेररिज्म एंड मिलिटेंसी इन द कंट्री कैन बी टैकल्ड इफेक्टिवली वाइल ऑब्जर्विंग ह्यूमन राइट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस इन दैट, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सीआरपीएफ के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं एंड सीआरपीएफ जो है वो आपके लिए GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स में एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी मेंशनड है, तो इसलिए भी ध्यान रखिएगा। सीआरपीएफ इज द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, तो जितनी भी हमारी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एंड इट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। एंड इसका जो प्राइमरी रोल है इज टू असिस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इन पुलिस ऑपरेशंस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड काउंटर इंसर्जेंसी। ये कब बनी थी, ये 27 जुलाई 1939 को बनी थी एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर याद करना हो तो इंडियन केस में खासकर कि किसी न किसी क्राइसिस के टाइम पे बनता है, ठीक है। तो 1939 में हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ एंड आप याद रख सकते हैं कि सीआरपीएफ जो है वो कब बना, 1939 में, ऑन 27 जुलाई 1939, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 28 दिसंबर 1949 इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर सीआरपीएफ के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 12 एंड वर्ल्ड पेज पर यहां पर एक जो न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू सऊदी अरेबिया एंड ईरान। बहुत ज्यादा लिखने के लिए कुछ नहीं है इसमें, पर जो चीज घटना हो रही है डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान आर नाउ ट्राइंग टू टॉक। जो वेस्ट एशिया में पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस है उसका अगर सेंटर माना जाए तो यही दोनों देश हैं, सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ठीक है। अब दोनों जो है वो बात करने के लिए तैयार हो गए एंड बात करने के लिए क्यों तैयार हुए, क्योंकि अभी जो रिसेंटली सऊदी अरेबिया में अटैक हुआ उसके बाद जब अमेरिका ने कोई भी अटैक ईरान के ऊपर नहीं किया एंड एक तरह से सऊदी अरेबिया कुछ भी नहीं कर पाया, तो उसके बाद अब दोनों देशों ने सोचा कि अमेरिका के भरोसे रहने से अच्छा है कि हम आपस में बातचीत करें और मैटर को सॉल्व करें। सो नाउ पाकिस्तान एंड इराक से बोला गया है कि वो दोनों कंट्रीज के बीच में मीडिएट करें, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड वेस्ट एशिया हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, एंड सऊदी अरेबिया जो है हमारा इट इज़ थर्ड बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया, एंड ईरान से अभी यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस के बाद हमने जो है वो तेल लेना बंद कर दिया है, बट अर्लियर इट वॉज ऑल्सो इन द टॉप 5 प्रोवाइडर ऑफ द क्रूड ऑयल, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में बातचीत होने की संभावना बन रही है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, एंड देखेंगे हम लोग इसके बाद क्या होता है। सो कीप एन आई ऑन दिस न्यूज़।
नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड ये जो न्यूज है ये पिछले 4 महीने से लगातार न्यूज में है। हांगकांग में डेली प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंड अभी जो वहां पर मास्क बैन किया गया है कि आप मास्क नहीं पहन सकते हैं, तो उसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट अभी फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। हांगकांग के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, तो चाइना का पार्ट है एंड इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ पर्ल रिवर एस्चुरी साउथ चाइना सी। तो इट इज हांगकांग की अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करें या ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ इट इज सराउंडेड बाय साउथ चाइना सी ऑन ऑल द 3 sides। इसके अलावा साउथ चाइना सॉरी हांगकांग के बारे में यह ध्यान रखना है कि इट वॉज ब्रिटिश कॉलोनी टिल 1997 एंड 1997 में अंडर द वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल हांगकांग वॉज हैंडेड ओवर टू चाइना। वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल का क्या मतलब है कि वन कंट्री का मतलब इट इज पार्ट ऑफ चाइना, टू सिस्टम्स का मतलब है कि हांगकांग में जो है वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है एंड चाइना में जो है वो कम्युनिस्टिक सिस्टम है। एट द सेम टाइम चाइनीज लोगों के पास या चाइनीज सिटीजन्स के पास ज्यादा फ्रीडम नहीं है, लेकिन हांगकांग में लोगों के पास जो है वो ज्यादा फ्रीडम है, एंड यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो ध्यान रखना है हमको कि अम्ब्रेला मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद हांगकांग एंड वाटर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद हांगकांग। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड अगेन दिस न्यूज इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोटेस्ट, एंड इराक में जो करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है उसके कारण जो डेथ है डेट हैज रीच्ड टू 81। इराक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द टॉप मोस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। तो जो सबसे ज्यादा हम जहां से क्रूड ऑयल लेते हैं वो किस देश से लेते हैं, इराक से लेते हैं। तो अब इराक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कहां लोकेटेड है ये, वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। एंड इसके अगर बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ में टर्की है, ईस्ट में ईरान है, साउथ ईस्ट में कुवैत है, साउथ में सऊदी अरेबिया है, साउथ वेस्ट में जॉर्डन है एंड वेस्ट में जो है वो सीरिया है। ठीक है, तो लोकेशन ध्यान रखिएगा, टर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड सीरिया, इन सब के साथ जो है इराक बाउंड्री शेयर करता है। इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। एंड जो यहाँ की दो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हैं वो हैं टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, एंड दे बोथ रन इन सदर्न इराक। एंड टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंशियंट सिविलाइजेशन ने फ्लरिश की थी, वो उसका नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, एंड मेसोपोटामिया इज नोन एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर इराक, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। नाउ कम टू द बिजनेस पेज, एंड यहाँ पर एक जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो MD है सरिता नायर, मैनेजिंग डायरेक्टर है सरिता नायर, उन्होंने जो अभी रिसेंटली बैंक मर्जर्स हुए हैं, कॉरपोरेट टैक्स रेट को कम किया गया है, वो जो गवर्नमेंट द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं उनकी तारीफ की है। एंड उन्होंने ये बोला है कि इसके जरिए इंडिया जो है वो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक अच्छा हब बन सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये टॉपिक आपसे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कब बनाया गया था, 1971 में बनाया गया था, कहाँ बेस्ड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड इसका जो काम क्या है, इट इज टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ वर्ल्ड बाई इंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज। ठीक है, तो इसका काम बेसिकली है जो बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और अदर लीडर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में लाना एंड जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। अब जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आपसे रिपोर्ट्स पूछी जा सकती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज करता है वो हमने एक जगह कंपाइल कर दी हैं, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस फॉलोइंग रिपोर्ट्स। नाम क्या क्या है, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। UPSC में अक्सर रिपोर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर रहता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 5 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 14, एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पेज है ये, एंड जो सबसे पहला क्वेश्चन आज हिंदू ने आंसर किया है डेट इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016। एंड ये जो है आपके किस टॉपिक से रिलेटेड है, GS2 में सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट से। आप लोग सिटीजनशिप जो आर्टिकल है हमारे 5-11 एक बार उनको अपनी पॉलिटी बुक से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि NRC हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, ये सारी चीजें जो है वो लगातार न्यूज में रह रही हैं। ठीक है, एंड सिटीजनशिप जो है हमारा किस पार्ट में दे रखा है, ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 आर्टिकल 5-11। एंड यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ऑफ 2016, इट वॉज पास्ड बाय द लोकसभा इन 2019। तो पास हो गया था लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में क्योंकि उस टाइम पे BJP के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी तो इट वॉज नॉट टेबल्ड एंड इट हैज
लैप्स्ड, ठीक है। अब ये अमेंडमेंट क्या करता है, इट सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो ये किस एक्ट को अमेंड कर रहा है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है तो किसी ना किसी एक्ट को अमेंड कर रहा होगा, तो इट अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अब इस बिल के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, इस बिल में ये बोला गया है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं तीन देशों की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की, वो अगर इंडिया में आकर के इवन वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना भी आते हैं एंड उनका जो इलीगली भी माइग्रेट करते हैं, देन ऑल्सो दे विल बी ग्रांटेड द सिटीजनशिप, ठीक है, एंड दे वुड नॉट फेस डिपोर्टेशन अंडर द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट ऑफ 1920 एंड द फॉरनर्स एक्ट ऑफ 1946। तीन किन छह कम्युनिटीज को यहाँ पर एडवांटेज दिया जा रहा है, हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ये जो है माइनॉरिटीज है अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में, एंड अगर ये लोग इंडिया के अंदर आते हैं तो दे विल नॉट बी डिपोर्टेड, एंड एट द सेम टाइम उनको जो है वो छः साल अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। इस एक्ट के जरिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, इस बिल के जरिए जो है एक और प्रोविजन को अमेंड किया गया है। पहले अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो नेचुरलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 12 साल था। आपको 12 साल तक इंडिया में लगातार रहने के बाद जो है आपको सिटीजनशिप मिल सकती थी। अब उस टाइम पीरियड को घटा करके इन माइनॉरिटीज के लिए कितना कर दिया गया है, 6 साल का। एंड इसके अलावा बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी पावर दी गई है कि जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, अगर वो सिटीजनशिप एक्ट या इंडिया के किसी लॉ को वायलेट करते हैं तो उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो ये तो हो गया इसमें प्रोविजंस। अब इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, इसके इतनी ज़्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है, तो उसका कारण यह है कि इलीगल इमिग्रेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि इसमें छह कम्युनिटीज़ को तो इंक्लूड किया गया, मुस्लिम्स बस को सेपरेट आउट किया जा रहा है, तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। एंड द प्रपोज्ड लॉज गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 14 में बोला गया था किसी के साथ भी जो है वो सिर्फ धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड रिमेंबर आर्टिकल 14 जो है इट अप्लाइज बोथ टू सिटीजन्स एज वेल एज द फॉरनर्स। तो जब भी आप लोग फंडामेंटल राइट्स अपने पढ़ें तो वहां पर इसी एक चीज को भी हाईलाइट करते हुए चले कि कौन से फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं एंड कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी के लिए अवेलेबल है। तो आर्टिकल 14 हमारा जो है वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स। एंड जो दूसरा क्रिटिसिज्म है ये है कि ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का जो है उसको वायलेट कर रहा है, क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में जो है वो किसी रिलीजन के बेसिस पे नहीं, रैदर कट ऑफ डेट दैट वाज 24 मार्च 1971, उसके बेसिस पर डिपोर्टेशन की बात हुई थी। इसके अलावा असम अकॉर्ड जो साइन हुआ था उस पर भी कट ऑफ डेट की बात हुई थी, ना कि किसी रिलीजन के बेसिस पे। तो इस बेसिस पर इस बिल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यहां पर जो है वो पाकिस्तान ने अभी एक केस हारा है, ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान का जन्म सिर्फ हारने के लिए ही हुआ है। तो पाकिस्तान अभी निज़ाम की जो प्रॉपर्टी थी उसको लेकर के उन्होंने केस किया था इंडिया एंड जो निज़ाम के डिसेंडेंट्स थे उनके खिलाफ, तो वहाँ पे जो जीत हुई है उसको लेकर के हाईलाइट किया गया है। दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक टर्म ध्यान रखिएगा, सरफे खास। सरफे खास मीन्स क्राउन लैंड, जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि मेडिवल टाइम में सरफे खास क्या था, सरफे खास वॉज क्राउन लैंड। जैसे कि मुगल एरा में अगर आप बात करें तो जो खलीसा हुआ करती थी वो है वो क्राउन लैंड, क्राउन के लिए जो रॉयल फैमिलीज होती थी उनके लिए खलीसा लैंड जो है वो कुछ रखी जाती थी। उसी तरह से निज़ाम जब हुए तब सरफे खास जो है इट वाज नोन एज द क्राउन लैंड्स, एंड इसके जरिए जो भी रेवेन्यू आता था वो रॉयल फैमिली को दिया जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर इससे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया यूएस रिलेशंस, एंड ये आपके किस टॉपिक से रिलेट करता है, GS2 में पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अफेक्टिंग इंडिया। एंड अब ये क्यों लिखा गया है, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू परचेज ट्रायम्फ S-400 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया, एंड यूनाइटेड स्टेट्स के जो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए मना किया है कि अगर इंडिया उस परचेज करता है या फिर पैसे पेमेंट करता है या लेता है उनसे तो इट कुड फेस सैंक्शंस, ठीक है। तो अब रशिया से हमने अक्टूबर 5, 2018 को ये डील साइन की थी ऑफ रशियन ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम, एंड उसके बाद अमेरिका ने उसके कुछ ही दिनों बाद जो है एक नया लॉ अमेरिका में आया, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, विच इज नोन एज
काटसा। एंड यहां पर उसी को लेकर के है कि इंडिया के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने बोला है कि हम इंडिया ये बात मंजूर नहीं करेगा कि हमको कोई बताए कि हम रशिया से क्या खरीदें या ना खरीदें, जैसे कि हम ये पसंद नहीं करेंगे कि अमेरिका से हम क्या खरीदें या नहीं खरीदें, वो कोई और बताए। तो इसको लेकर के यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ठीक है। एंड नॉट मच इंपॉर्टेंट थिंग्स आर गिवेन ओवर हियर सो डैट वी कैन स्किप इट। तो इसको जो है वो छोड़ा जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात जो है वो यहाँ पर सिंपल सी ये है कि रशिया से जो है हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, एंड अमेरिका जो है उसके लिए हमको एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारा एक सोवरेनिटी का इशू बन सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर इस न्यूज़ से। नाउ कम टू द साइंस पेज, एंड यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू जीन एडिटिंग। एंड ये आपके किस टॉपिक से रिलेटेड है? GS3 में टेक्नोलॉजी एंड प्रिलिम्स में आपसे साइंस वाला जो टॉपिक है उस पर भी ये पूछा जा सकता है। तो अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो रिसर्चर्स हैं दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में CSIR की लैब है, उन्होंने एक ऐसा प्रोटीन डिस्कवर किया है डेट कैन एडिट द DNA विथ वेरी हाई प्रिसीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो प्रेजेंट जीन एडिटिंग टूल है वो कौन सा है? क्रिस्पर कैस नाइन। एंड CAS9 जो है, दिस प्रोटीन बिहेव्स लाइक अ मॉलिकुलर सीजर डेट कट्स द DNA एट अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड इंसर्ट्स अ फॉरेन पीस ऑफ DNA टू करेक्ट द म्यूटेशन डेट कॉजेज द डिसीज। अब इसमें क्या दिक्कत है? CAS9 तो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है। अभी जो नया वाला प्रोटीन खोजा गया है SPCA प्रोटीन FNCAS9, उसके अंदर प्रेसीजन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी DNA जो है वो मैच नहीं होता है, एक सिंगल भी अनमैचिंग है, तो वो जो है उसके साथ बाइंड नहीं करेगा, एंड दिस इज मोर प्रिसाइज। जो CAS9 है हमारा वो किस प्रोटीन से डेवलप किया गया था? फ्रॉम स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजींस बैक्टीरिया। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर इस न्यूज से कि अभी जो रिसेंटली FNCAS9 डेवलप किया गया है दैट इज फ्रॉम द बैक्टीरियम फ्रेंसिसला नोविसीडिया, एंड इसके जरिए जो है ज़्यादा प्रिसीजन से जीन एडिटिंग की जा सकती है। तो इस न्यूज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज, एंड ये जो न्यूज है यहां पर हाईलाइट किया गया है कि इंडिया इज होम टू एशियाज ओल्डेस्ट बैंबू। एंड अभी रिसेंटली जो फॉसिल मिला था उसमें जो बैंबू की एज है इंडिया से वो बताई गई है 25 मिलियन ईयर्स एगो। तो एक तरह से जो थ्योरी दी जाती थी पहले कि बैंबू जो है वो एशिया में यूरोप से आया है, दैट थ्योरी हैज बीन फॉल्सिफाइड एंड इट इज नाउ एस्टेब्लिश्ड कि जो बैम्बू है वो इंडिया से जो है वो पूरे के पूरे एशिया में फैला है। तो ये यहां पर इस न्यूज को हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू स्पोर्ट्स पेज, एंड स्पोर्ट्स पेज में जो लोग वनडे टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो वो ध्यान रखेंगे कि इंडिया एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली कंट्री बन गया है, ठीक है। किसी भी एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा छक्के अगर किसी देश ने लगाए हैं तो वो इंडिया है, एंड रोहित शर्मा जो है वो खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाए, 13 छक्के लगाए, एंड ही हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ वसीम अकरम जिन्होंने 12 छक्के एक टेस्ट मैच में लगाए थे। तो इस एक चीज को यहां पर ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये था आज का न्यूज डिस्कशन। आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आंसर कर दिए जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू। भक्ति मूवमेंट जो है वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ था, न कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ। एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है, भक्ति सेंट यूज संस्कृत टू स्प्रेड देयर मैसेज, ये स्टेटमेंट भी गलत है। भक्ति सेंट्स वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का यूज करते थे अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। इंडिया का जो पहला ई वेस्ट क्लिनिक है वो कहां पर बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 72 जो है वो किससे रिलेटेड है? पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर ऑप्शन वाइज बात करें तो DAC। तो ये आंसर्स हैं आज के क्वेश्चंस के। तो आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।